ओके, सो इस सेशन में हम बात करेंगे कि स्कैनिंग कैसे की जाती है. ओके, ब्रेकआउट्स के लिए, डिवाइस के लिए, मल्टी बैगर के लिए. और सो स्कैनिंग के लिए और कौन से टूल्स यूज करेंगे हम लोग, ये भी चले जानते हैं. ओके, सबसे पहला टूल जो हम लोग यूज करेंगे वो है अपना charting.com का स्क्रीनर का टूल. ओके, तो जब भी आप charting.com पे जाओगे, charting.com पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रीनर का ऑप्शन दिखेगा. स्क्रीनर के ऑप्शन पे आप क्रिएट स्कैन पे क्लिक कर सकते हैं और ये वाला स्कैनिंग का टूल आप यूज कर सकते हैं. ओके, दूसरा टूल कौन सा यूज करोगे? दूसरा टूल है बीएससी का. एज ऑफ नाउ चार्टिंग वालों ने बीएससी का डेटा स्कैनिंग के लिए इंटीग्रेट नहीं किया है. उनके चार्ट दिखते हैं मगर स्कैनिंग के लिए अभी भी उन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया है. तो इसलिए मैंने आपको मेरी मल्टीबैगर रिसर्च शीट प्रोवाइड की है. ओके, उसका यूज आप दोनों मल्टीबैगर रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं और स्कैनिंग जो बीएससी रिसर्च स्टॉक्स है उनके लिए भी कर सकते हैं. वो कैसी दिखती है जरा वो भी देख लेते हैं इस सेशन में. मैं मेरा जीमेल में से डाउनलोड कर रहा हूँ आपको जो भेजा है मैंने. चेंज टू फाइव इंपॉर्टेंट एक्सेल शीट्स नाम का ईमेल है. ओके, तो इसमें से मैं मेरा मल्टीबैगर रिसर्च शीट को डाउनलोड कर लेता हूँ. डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ इसको जरा. ओके, ये खुल दी है शीट. वो तो ये वाली शीट है मैंने जो आपको ईमेल में भेजी है, हर एक के ईमेल में भेजी है. इवन द रीसेंट अपडेटेड वर्जन है और आगे भी कुछ अपडेटेड वर्जन आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली भेजते रहूंगा. ओके, सब एक्टिव मेंटीज को. सो एज ऑफ नाउ इसमें आप देख सकते हैं कि इसे चार टैब्स अवेलेबल है. ओके, चार में से ये जो टैब है फर्स्ट वाला लिस्टेड ऑन बोथ एनएससी, बोथ. ओके, एनएससी ओनली और बोथ, दोनों भी. यानी मतलब बीएससी भी जो स्टॉक लिस्टेड है और एनएससी भी जो स्टॉक लिस्टेड है और एनएससी पे ही ओनली लिस्टेड स्टॉक्स है वो भी इसमें है. ओके, यानी जैसा रिलायंस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तो यहाँ पे उस लिस्ट में पाया जाएगा. तो ये स्टॉक्स आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं है, तो ये स्टॉक की स्कैनिंग एनीवे आपको चार्टिंग में से हो जाती है. ओके, इसके बाद में ये तीन बटन अवेलेबल है जो मैंने आपको फर्दर क्लासीफाई किया. बीएससी के वैसे 1800 स्टॉक्स की लिस्ट है, 1800 स्टॉक्स की लिस्ट है, तो 1800 स्टॉक्स मैन्युअली स्कैन करना कभी कभी दिक्कत हो सकती है. तो मैंने उसमें क्या किया, बीएससी उसको मैंने ब्रेक डाउन किया वॉल्यूम के हिसाब से, हाइयर वॉल्यूम स्टॉक्स, फिर लो वॉल्यूम स्टॉक्स, फिर वेरी लो वॉल्यूम स्टॉक्स. तो कम से कम आप हाई वॉल्यूम स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं. हाई वॉल्यूम स्टॉक्स कितने हैं? ये लगभग 550 स्टॉक्स है. ओके, तो इसको मैन्युअली स्कैन करना पड़ेगा, वो मैं दिखा देता हूँ. फिर उसके बाद लो वॉल्यूम पे जाना है तो लो वॉल्यूम एडिशनल अलग से बीएससी लिस्टेड पे 440 एडिशनल है और एक्सट्रीमली लो वॉल्यूम है जिसमें ट्रेडिंग होती ही नहीं है, बिल्कुल कुछ होती नहीं है, तो ऐसे और 900 स्टॉक्स है. तब की लाइफ मैंने और सिंपल कर दी है स्कैनिंग के लिए बीएससी स्टॉक्स के लिए. जब तक कोई टूल और अपने को मिलता नहीं है, ये एकमात्र टूल है जो बीएससी ओनली स्टॉक, जो सिर्फ स्टॉक बीएससी पे लिस्टेड है, उनको स्कैनिंग करने के लिए. ओके, मगर आप अपने करियर में स्टार्ट कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, तो बीएससी स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले आपको परफेक्ट करना है आपकी स्कैनिंग टेक्निक्स. वो इनिशियली आप एनएससी स्टॉक्स पे करोगे तो ही चल जाएगा. ओके, और जैसे आपकी स्कैनिंग कैपेसिटी बढ़ती है देन आप इसके ऊपर स्लोली एंड स्टेडीली मूव आउट हो सकते हैं और इस पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और स्कैनिंग कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले इसकी ये शीट की बात करते हैं. ओके, तो लेट्स से मेरे को नहीं, लेट्स से फिर पहले अपन यहां से चालू करते हैं चार्टिंग से. ओके, सिंपल हो जाएगा. सो चार्टिंग पे कोई भी डिप बाय स्ट्रेटेजी हो, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हो या मल्टीबैगर स्ट्रेटेजी हो, तीनों का एक कॉमन फिल्टर है. ओके, तीनों का वही सेम फिल्टर है जो हमने को यूज करना है, कुछ फर्क नहीं है बेस फिल्टर में. ओके, बेस फिल्टर क्या है? यहां पे फिल्टर पे आपको क्लिक करना है, क्लोज
इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल मूविंग एवरेज 30, यानी शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर वो स्टॉक होना चाहिए. क्लोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल मूविंग एवरेज 50. ओके, ये भी थोड़ा शॉर्ट का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट का थोड़ा और शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट का थोड़ा मीडियम टर्म बोल सकते हैं. वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म. और ये फाइनली ये मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है जो वापिस डालेंगे. क्लोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल मूविंग एवरेज 100. ये हो गया अपना मीडियम टर्म. और फाइनली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, क्लोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल मूविंग एवरेज 200. ओके, इस स्कैन का, ये सेटिंग्स लगाने का लॉजिक ये है कि हम लोग को वही स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है 200 सिंपल मूविंग एवरेज, जो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, और जो वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के भी ऊपर है. ओके, यानी ये स्टॉक सभी क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है. स्टॉक शेयर मार्केट में 30, 50, 100, 200 ये जाने माने मूविंग एवरेजेस है. ये मैंने कुछ इजाद किया नहीं है, ये जाने माने मूविंग एवरेजेस है. इसलिए हम लोग ये मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर इसको यूज करते हैं, इसलिए हम लोग को ये चीज यूज करनी है. ओके, ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान में रखिए, जो बहुत सारे ट्रेडर्स जो चीज यूज करते हैं एक्चुअल में, यानी जो प्राइस एक्शन बेस होते हैं, वही चीज को हम लोग को भी यूज करना है. मगर बहुत सारे लोग पैसा क्यों नहीं कमाते, उसका मेन रीजन है डिसिप्लिन नहीं होती है. ओके, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. मगर ये रीजन अगर मैं, किसी ने पूछा कि महेश 30, 50, 100, 200 क्यों, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स 30, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज को देखते रहते हैं, उसको मानते हैं, और इसीलिए हम लोग उन स्टॉक्स इन के ऊपर वो स्टॉक जो होगा तो उनको अपन ट्रेड करेंगे. क्योंकि और एक रीजन बताने के लिए मैं मेरा पेंट ऊपर लाता हूं, पेंट एप्लीकेशन. सो लेट्स से ये है 30, 50, 100 और 200. ऑलराइट, और ये रेड लाइन जो निकालूंगा स्टॉक का प्राइस है, स्टॉक प्राइस ऊपर है, नीचे आएगा जो सबसे पहले यहां पे सपोर्ट लेगा. चांसेस है, समझो आपने यहाँ पे बाय किया तो सपोर्ट यहाँ पे लेने के चांसेस है और वापस ऊपर की तरफ चल सकते हैं. चलो यहाँ पे भी नहीं लिया सपोर्ट तो शायद नीचे की तरफ आए, मगर यहाँ पे तो सपोर्ट ले सकता है और ऊपर की तरफ चल सकता है. यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया तो